नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान सरकार और संगठन में फूट साफ नजर आ रही है और कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठा रही है। शनिवार को राज्यपाल अभिभाषण पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी के संशोधन प्रस्ताव को विधानसभा में निरस्त कर दिया गया। इससे पहले भी जब जब घनश्याम तिवाड़ी ने सदन में कुछ बोलना चाहा तो उन्हें चुप करा दिया गया। इस पर कांग्रेस के सदस्यों का तिवाड़ी को सदन के अंदर और बाहर भरपूर समर्थन मिला। लेकिन जहां तक फूट की बात है तो कांग्रेस भी इस समस्या से जूझ रही है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी को लेकर उनके समर्थक अक्सर एक नारा लगाते हैं, एक तिवाड़ी सब पर भारी। विधानसभा के बजट सत्र में भी तिवाड़ी बिना बोले सरकार पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दस्तावेज के साथ अपनी बात रखना चाहता था लेकिन मुझे रोक दिया गया। कुछ कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर घनश्याम तिवाड़ी का भरपूर साथ दिया। जाहिर है कि बीजेपी की फूट का फायदा कांग्रेस दोनों हाथों से लूट रही है, लेकिन फूट अकेले बीजेपी की परेशानी नहीं है। कांग्रेस के विधायक रमेश मीणा ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए। मेरा कहना है कि घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के आम विधायकों ने, सत्ता पक्ष की सदन की नेता ने जिस तरह उनका अपमान किया, वरिष्ठ नेता उनके अपमान में हमारे माननीय एक सदस्य खड़े हुए, उनका व्यक्तिगत अपना मत था उसे वो खड़े हुए और उसके बाद उनके समर्थन के अंदर बायकॉट करके चले गए। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे संसदीय मान मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है। आसन ने सरासर गलत आरोप लगाया है। मेरे इतने वर्ष के लंबे करियर में मैंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, आज भी नहीं तोड़ी। आज मैं केवल खड़ा होकर अपनी बात रखने की बात कर रहा था। मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पत्रावली दिखाई थी, जो राज्य की जनता के हित में है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए है, जो लोकतंत्र को लूटतंत्र बनने से बचाने के लिए है और जो आंतरिक लोकतंत्र को कायम करने के लिए है, वो मैं बातें कुछ रखना चाहता हूँ। तो इसको मेरे सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया था, उसको आज उपाध्यक्ष मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। मैं बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। उनको बजट के अभिभाषण पर बोलना चाह रहे थे और पिछले चार दिन से जब करीब करीब विधायकों को बुलाया गया तो सीनियरिटी के हिसाब से वो भी परसों बोलना चाहते थे, फिर कल बोलना चाहते थे, कल उनका नाम काट दिया, आज फिर वो सीएम के सामने अपनी कोई बात रखना चाहते थे। लेकिन सत्ता पक्ष ने सारे विधायक खड़े हो गए और उनको वहाँ से बाहर निकालने का कहा, बाहर जाइए। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वसुंधरा जी के सामने विपक्ष तो खड़ा है ही है, जब सत्ता पक्ष के लोग ही इतने सीनियर लोग वसुंधरा जी के सामने खुल के आ जाए, अब मुख्यमंत्री को एक एक मिनट भी इस पद पर नहीं रहना चाहिए, इससे ज़्यादा उनकी बेइज्जती नहीं हो सकती। मैं तो मेरी कह सकता हूँ, क्योंकि जो बात जिस प्रकार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी तो मैं उस बात को सहन नहीं कर सका। मेरी पार्टी के लोग हैं, वो बैठे हैं, वो सहन कर रहे हैं, उनमें सहन करने की क्षमता है, या हो सकता है मेरे पार्टी के कुछ लोग हैं जो मैच फिक्सिंग में के आधार पर अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, उनके सरकार काम करती होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सच दिखता है कि ईमानदारी से जो मुझे लगा कि गलत हो रहा है तो मैंने उसका विरोध किया है। तो जिस तरीके से बजट सत्र में सदन के हालात बने हुए हैं उससे यही लगता है कि एक तरफ सरकार में फूट है, सरकार और संगठन के बीच फूट है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस में भी फूट के आसार जो हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि रमेश मीणा ने सवाल उठाए थे अपने ही विधायकों पर। तो रस्साकसी पूरी तरीके से चल रही है, खींचतान पूरी तरीके से चल रही है, और घनश्याम तिवाड़ी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं वो लगातार वसुंधरा सरकार पर हमले बोल रहे हैं, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप लगातार वो लगा रहे हैं।
तो जिस तरीके से घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी ही सरकार को घेरा है, उसके बाद कांग्रेस के सबसे चहेते विधायक अगर कोई बन गए हैं तो वो घनश्याम तिवाड़ी। तो इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। चंद्रशेखर, जिस तरीके से घनश्याम तिवाड़ी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि बीजेपी विपक्ष से कम लड़ाई कर रही है, अपनों से ज्यादा लड़ रही है। देखिए अभिषेक, जब से सदन चल रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण पर घनश्याम तिवाड़ी ने बोलने का समय मांगा था, वो एक संशोधन प्रस्ताव लेके आए थे। ये एकमात्र संशोधन प्रस्ताव था जिसको घनश्याम तिवाड़ी लेके आए थे और इसका उल्लेख माणिकचंद सुराणा ने भी किया, जो कि लोकतंत्र सत्र से आते हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और परसों वो वॉकआउट कर गए थे। कल जब मुख्यमंत्री आई, सदन की नेता जब आई और स्पीकर ने उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया, तब घनश्याम तिवाड़ी खड़े हो गए और खड़े होकर एकदम तहस में आ गए और स्पीकर से सवाल जवाब करने लगे, बोलने लगे मैं बोलूंगा। तब स्पीकर ने उनसे कहा कि आप बाहर चले जाइए। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जब से ये सरकार बनी है, घनश्याम तिवाड़ी लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर, जिस तरीके से घनश्याम तिवाड़ी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के तो सबसे चहेते विधायक बनकर के सामने आ गए हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के चहेते विधायक भी बने हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में भी कल एक फूट नजर आई कि रमेश मीणा जब वॉकआउट करके गए, तब उनको धीरज गुर्जर रोक रहे थे और आगे से भी ये इशारा था कि उनको रोक लीजिए, लेकिन वो वहां से वॉकआउट करके गए और वॉकआउट करने के बाद जब सदन के बाहर निकले तो मीडिया से भी मुखातिब हुए अभिषेक, और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जो कहा वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अंदर जो भी कांग्रेस के सदस्य बैठे हैं वो उन्होंने मैच फिक्स किया है सरकार के साथ और मैं इसकी शिकायत राहुल गांधी से करूंगा। तो ये बड़ी बात कहीं ना कहीं निकल के आती है, कांग्रेस के खेमे में जितनी खुशी दिखाई देती है या खुशी का माहौल होना चाहिए था, उस पर कहीं रमेश मीणा ने आशंका के बादल मंडरा दिए। तो खुशियां दर पे आते आते रह गई कांग्रेस के लिए, ऐसा लगता है। चंद्रशेखर, तो क्या कांग्रेस के लिए ऐसे हालात हो गए कि खुशियां दर पे आते आते रह गई? देखिए, कांग्रेस उपचुनाव जब से जीत के आई है, जिस तरह का अटैक कांग्रेस कर रही है, उससे एक बात तो ये लगती है कि वो थोड़ा उनको ये बात खुशी है कि 17 सीटों पर जीते हैं। लेकिन अभिषेक, आप देखिए, पिछली बार जब सदन लगा था तो बैल में आकर बैठ गए थे कांग्रेस के सदस्य, लगातार 54 घंटे धरना दिया था सदन में रात दिन, ठीक है। 54 घंटे धरना देने के बाद जब अगली बार सदन लगता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, 3 चुनाव जीत जाते हैं, तो आप उस बात को भूल जाते हैं। किसानों की कर्जमाफी पर लगातार बात हो रही है, लेकिन जो गंभीरता कहीं पिछली बार जिस तरह दिखाई थी कि आप सदन में सो रहे हैं, सदन में धरना दे रहे हैं, लगातार सदन में बने हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, वो विरोध कहीं देखने को इस बार नहीं मिला। बिल्कुल। तो यानी कि एक तरीके से अगर हम हालात देखें तो आत्मसंतुष्ट भी कांग्रेस हो जा रही है, इस वजह से भी कांग्रेस के लिए परेशानी जो है वो पैदा हो जाती है। श्याम झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। जो हालात सदन के बने हुए हैं सर, एक तरफ बीजेपी जो है वो अपनों से लड़ रही है, कल रमेश मीणा जब खड़े हो गए और सदन से बाहर आ गए तब ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस भी अपनों से ही लड़ रही है, तो सर यहाँ दोनों पक्ष जो है, पक्ष और विपक्ष, वो अपने से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं। जी देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम जो देखते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी आरोप लगाती है और घोटालों के कई प्रकरण सामने लेके आती है, सरकार बदलते दूसरी पार्टी आरोप लगाती है, घोटाले सामने लेके आती है और कई बार वादे करती है कि हमारी सरकार बनते ही इस मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे या इस मंत्री को जेल भेजेंगे। लेकिन आज तक राजस्थान के इतिहास में मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि किसी भी मंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया हो घोटाले के नाम पे, जबकि हर बार हर दोनों सरकारों दोनों पार्टियों की सरकार रही है और दोनों ने ही आरोप लगाए हैं, घोटाले दोनों के ही उजागर हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि घोटाले ना हुए हो, घोटाले हुए भी हैं जी, चाहे वो मामला कारपेट का हो, चाहे वो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो, कोई भी हो, घोटाले हुए भी हो। लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में आपस में
उच्च लेवल पे आपस में कोई समझौता है कि ठीक है आप पांच साल आप भी मौज करिए, पांच साल हम भी मौज करेंगे। तो मैच फिक्सिंग वाली जो बात कही है रमेश मीणा जी ने, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उनके अचानक उनके जुबान पर आ गई, जो कि एक सच्चाई है जो आप आम जनता भी समझने लगी इस चीज को, और वो पूरे राजस्थान के प्रदेश के लोगों के सामने भी है वो सारी चीज। बिल्कुल। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। पंकज जी आखिर क्यों इतना नाराज कर दे रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी को? नहीं देखिए नाराजगी वाली कहीं कोई बात नहीं है, कोई ये विधानसभा है, विधानसभा में कोई बात है तो वो बात अपनी रखते हैं, और उस बातों को रखने के बाद जो है कोई चीजें हैं तो वो देखिए पटल का मामला है, पटल के ऊपर जो चीजें हैं और बाकी जो चीजें हैं पार्टी में वो आंतरिक मामले जो है जैसे भी उनको बात हो रही है जैसे भी उनके साथ बात कर रहे हैं क्लियर करते हैं। तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए सदन का मामला है, सदन में जो जो उसके रूल्स हैं, जो उनके आसन की जो व्यवस्था है उस आसन की व्यवस्था को बनाए रखना और कहना सभी लोगों का है, वो उसके लिए जो है लगातार उनके साथ में जो बात की जा रही है वो सदन का मामला है। तो जनता के बीच संदेश तो गलत जा रहा है सर, जनता के बीच संदेश तो गलत जा रहा है सरकार को लेकर के। नहीं नहीं देखिए सरकार के लेके गलती नहीं है, सरकार तो लगातार जो है अपने काम कर रही है, सरकार लगातार जो है जिन चीजों पर बहस चाहिए उन पर बहस करने को तैयार है, सरकार अपनी चीजों को रख रही है, सरकार जो है जो योजना है उन योजनाओं का जो है समीक्षा करके लगातार जो है यदि कोई कमी है तो उनको ठीक करके रही है और जनता के सामने लेकर के आ रही है। घनश्याम तिवाड़ी जो है आजकल कांग्रेस के सबसे चहेते विधायक बन गए हैं, ये भी तो आपके लिए परेशानी का सबब होगा? नहीं देखिए मैं नहीं मानता कि घनश्याम जी कांग्रेस के बन गए हैं या किसी और के बन गए हैं या जिस तरीके से जितने भी विधायक सदन से निकलते हैं एक बार घनश्याम तिवाड़ी की तारीफ करते हुए वहां से गुजरते हैं। ये देखिए ये कांग्रेस के जो है आपने खुद ही देखा है कांग्रेस के खुद का आंतरिक मामला है, कांग्रेस खुद ही जो है इस चीज में छटपटा रही है, तो वो खुद ही एक जो है एक नहीं है। तो सर इस बात से खुश है कि कांग्रेस के घर में फूट दिख रही है, अपने घर को नहीं समझ रहे? खुश नहीं है देखिए, नहीं खुश नहीं है ना, तो हम उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहे ना जी दे रहे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जा रही है आपके जो आंतरिक मामले हैं सर वो खुल करके सदन में सामने आ रहे हैं, मीडिया में सामने आ रहा है और वो जनता तक पहुंच रहा है, तो बीजेपी को तो अभी इससे संभलने की जरूरत है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। पंकज जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, अभिषेक जी अगर आपको समझ। जी जी श्याम जी। पंकज जी आपके ही पार्टी के विधायक एक स्टेटमेंट देते हैं सदन में कि सरकार कहीं नजर नहीं आती, ज्ञानदेव आहूजा जी सवाल उठाते हैं कि एसपी रिश्वत ले रहा है और खुले में रिश्वत का खेल चल रहा है, तो ऐसे में और सदन में जहां पर सभी को बोलने का अधिकार है, घनश्याम तिवाड़ी जी भी चयनित होके गए हैं कोई मनोनीत नहीं है, और ऐसे में जहां पे जनता का इतना पैसा खर्च हो रहा है जब विधानसभा चल रही है, सदन में बोलने का अधिकार उनको भी है, विधानसभा में इतना मोटा पैसा खर्च होता है जनता का, वहां पे ये अगर खेल बन के रह गया आप उनको नहीं बोलने दे वो आपको नहीं बोलने दे, तो इसमें तो मुझे मखौल उड़ रहा है ना इसका। नहीं देखिए सदन की व्यवस्था है, उसको सदन की व्यवस्था को देखा भी था, आज आपने खुद ने देखा तो सदन में जब वो नहीं थे जब उनको बुलाया गया तो बात की गई तो सदन छोड़ चले गए, तो उन्होंने खुद ने कहा कि शायद वापस ले लिया जो आज पत्रिका में छपा है, सदन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार सदन चलाया जा रहा है, लेकिन यदि आप जो है उनको कल भी जाना पड़ा और आज भी चले गए। नहीं अब ये तो आज तो मुझे ज्यादा देख रही है, जो चीजें हैं सदन की जो व्यवस्था है सदन व्यवस्थाओं से चलता है, इसमें चाहे पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि पक्ष के लिए अलग से कोई जो है वो हो और विपक्ष के लिए अलग हो, इसलिए। लेकिन अगर वो कोई बात रखना चाह रहे हैं जो उनको रखने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, वो तीन दिन तक बोलते रहे कि मुझे कुछ कहना है मुझे समय चाहिए। देखिए इसमें सरकार का नहीं है, देखिए सदन को चलाने का काम जो है सदन के स्पीकर का होता है, स्पीकर जो इस चीज को चलाते हैं जो रूल्स है जो बने हुए जो चीजें हैं उनके। तो आपकी पार्टी की सरकार है और क्या आप सरकार वही है, वो समन्वय की कमी कहीं ना कहीं अब दिखनी शुरू हो गई है, समन्वय जो है वो बेहतर तौर पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है सरकार और संगठन के बीच। डॉक्टर अर्चना शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी थैंक यू। मैम जिस तरीके से हालात सदन के बने हुए हैं, घनश्याम तिवाड़ी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि बीजेपी में दरार दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर है कि रमेश मीणा कहते हैं कि मैच फिक्स है।
देखिए मैंने भी कहीं सुना है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मैच फिक्सिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ऐसा इसलिए लगा कि पूरे माहौल में किसी भी स्तर पर ना घनश्याम तिवाड़ी जी को बोलने दिया गया, ना किसी विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को बोलने दिया गया, और स्थितियां बड़ी भयावह हुई जब चिकित्सा मंत्री पर आरोप लग रहे थे और उससे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, तब पूर्व चिकित्सा मंत्री ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सदन की जो कार्रवाई थी उसमें इतना विलंबित भाषण दिया जिससे कि दूसरे व्यक्ति का अवसर चला जाए। तो ये सारी परिस्थितियां इसलिए बनती है कि जिस सत्ताधारी पार्टी को सदन को संचालित करना है और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि सभी को अपना मंतव्य रखने का समय मिल सके, उस सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं ताकि जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं, जो नाकामयाबियां हैं सरकार की, उस पर कोई प्रश्न उठे तो उस प्रश्न को उठने ना दिया जाए, माहौल ऐसा बना दिया कि सारा क्योस क्रिएट हो। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जब आज कल वक्तव्य दिया तो फिर स्पष्ट हो गया कि दम के घोड़े पर आज भी सवार है, जबकि जनता ने इनको शिकस्त देकर धूल चटकाई है। ऐसी अवस्था में ये सारी परिस्थितियां इससे उत्पन्न हुई कि अल्पमत के विपक्ष का मखौल उड़ता रहा, उसे अवसर नहीं मिला जनता की भावना को अभिव्यक्त करने का, और जब उसे पुरजोर तरीके से विरोध किया तो उसको दरकिनार करके और अपने काले कानून जैसे प्रस्तावों को पारित करवाने की कवायद सरकार ने की। हालांकि हम अल्पमत में विधानसभा में जरूर है, लेकिन यही हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ी। मेरा जो सवाल था मैम वो रमेश मीणा को लेकर के था, उन्होंने ये कहा है कि मैच फिक्स है और इसकी शिकायत जो है वो मैं राहुल गांधी से करूंगा, तो फिर आप इसको सरकार पे ले जाकर क्यों छोड़ रही हैं? उन्होंने तो अपने विधायकों को लेकर के बोला है, सुना मैंने भी ये, लेकिन ये वही बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा परिदृश्य उत्पन्न हुआ, कौन सी ऐसी बात हुई जो उन्हें मैच फिक्सिंग जैसी लगी। हालांकि हमें जो जानकारी है, सभी लोगों ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है। खुद डूडी जी ने जो स्पष्ट अभिभाषण पर जो अपना मंतव्य बताया, वक्तव्य दिया, उसने पूरी तरह से सरकार का पर्दाफाश किया है। और जिस प्रकार से हमारे सचेतक हैं दुत्ताचार्य जी, वो भी बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रखते हैं और सारे जो भ्रष्टाचार के प्रकरण उनका खुलासा किया। अब कोई ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से उन्होंने इसको व्यक्त किया, उस पर पार्टी विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करेंगे और इस पर वो कोई कार्रवाई चाहते हैं या कुछ चर्चा चाहते हैं, तो वो हमारी संगठन के स्तर पर निर्णय लेंगे। मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं। एक चीज श्याम जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो हालात अभी सदन में दिखे हैं उसमें इस तरीके से लग रहा है कि तू चल मैं आया, और ऐसी स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के एक विधायक जो है वो बाहर निकलते हैं, दूसरी बात कांग्रेस के एक विधायक बाहर निकलते हैं, एक कांग्रेस की बुराई करते हैं, एक बीजेपी की बुराई करते हैं, और दोनों ही खुद के ही विधायक होते हैं। कांग्रेस वाले कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, तो हालात कुछ इस तरीके से बने हुए, तू चल मैं आया वाला। अभिषेक जी, ये जो घटनाक्रम जो चल रहा है ये एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए शर्मनाक है, और लोकतंत्र का और जो राजस्थान की जनता है उसका ये मजाक बनाया जा रहा है पूरी तरह से। देखिए, लोकतंत्र का जो एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहां पर इस तरह से जनता की भावनाओं का खिलवाड़ उड़ाया जा रहा है कि जिस जनता का एक एक पैसा जो खर्च होता है उसमें विधानसभा चलती है उसपे, और उसमें विषयों को छोड़ करके और आपस में आपस की राजनीति करने के लिए और उसके लिए कि तू मैं भी निकलना चाह रहा हूँ, और इस किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और कोई बोलना चाहता है उसको रोका जाता है, या कोई कुछ बोल रहा है तो उसका विरोध किया जाता है। ये सब एक जो घटिया राजनीति हो रही है ये पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए कि भाई जनता की भावनाओं को भी समझना चाहिए। जनता ने हमें चुन के भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है। चुनाव में इतना खर्चा होता है, हर चीज में खर्चा होता है, उसका अधिभार तो जनता भी करता है, तो जनता की भावनाओं का सम्मान करके विधानसभा को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको उसका भी सम्मान रखना चाहिए, उसकी भी मर्यादा बनी उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, ये आवश्यक है। और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष पर होती है। पंकज जोशी जी, आरोप यही लगते रहे हैं कि सरकार और सत्ता पक्ष चाहती ही नहीं है कि सदन चले। नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा चाहती है, सत्ता पक्ष हर एक बार बात करती है। खुद आपने देखा कि जब विपक्ष जो है वो खुद अपने पे आरोप लगा रहा है, क्योंकि जब विपक्ष में जब होते हैं तो लगभग लोगों में एकमत होती है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरीके से विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष की जो हालत है उसके कारण खाली जो है वो नहीं चला पाए या नहीं कर ये जो करते रहे, तो ये उनकी जो है बात है। लेकिन सत्ता पक्ष में जो बातें हैं, जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा ही, खुद जो है अभिभाषण के नेता प्रतिपक्ष जो थे, जो है गवर्नर के जो अभिभाषण था उस पर खुद उपस्थित नहीं थे,
तो ये कहीं भी इसके प्रति जो है सचेत नहीं है, सदन के प्रति सचेत नहीं है और खाली जो है बातें करते हैं, खाली इन चीजों को जो है एक चुनावी मुद्दे के रूप में लेते हैं, ना कि बेसिकली जो है सदन को जो है चलाना चाहते हैं या इसकी यहाँ कोई अच्छी जो है योजनाएं बने, पॉलिसीज बने, इस पर नहीं ध्यान देना चाहते। इस वक्त कांग्रेस विधायक विवेक धाकड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपकी पार्टी के विधायक हैं रमेश मीणा, आरोप लगाते हैं मैच फिक्स कर लिया है। कौन सा मैच सर आपने फिक्स कर लिया और किस तरीके से मैच फिक्सिंग हो गई है? नहीं, अलग अलग भूमिकाएं कल सदन में भी आपने देखी थी, नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता ने जो चीज कही थी अपनी अपनी भूमिकाओं में। अभी जैसा मैं सुन रहा था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं आए, ऐसा नहीं है, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। मैं स्वयं शपथ के बाद उनके आवास पे गया, वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि वहाँ मिल सके। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं वापस मॉर्निंग गया हूँ तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था और उस स्थिति में भी उन्होंने अपनी भूमिका को निभाते हुए अपने अपने स्वास्थ्य के खराब होने के बावजूद वो सदन में आए और पूरा एक घंटा जो चार से पांच का टाइम अलॉटेड था उसमें उन्होंने मजबूती से एक सशक्त विपक्ष की भूमिका के और उसके नेतृत्व के उसमें नेता के रूप में उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ भी ने देखा सत्ता पक्ष में क्या हुआ, कैसे उनके वरिष्ठ। लेकिन जो विपक्ष है जिस मजबूती की आप बात कर रहे हैं वो मजबूती तो नहीं दिख रही है। नहीं, इसमें बिल्कुल वो नहीं है। उससे पहले कर्ज माफी के लिए जो बात हुई थी हमने वॉकआउट करा और उसको उस चीज को बिल्कुल मजबूती से उठाया। तो यही तो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि सदन चले, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वॉकआउट करने पे भरोसा कर रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, वेट के लिए तैयार थे और हमने तो ये कहा था कि आप डिपार्टमेंट का वो मत करके, सहकारिता मंत्री वहां विराजे हुए, कृषि मंत्री वहां विराजे हुए हैं, आप इसका वो करिए। आप पंकज जी, कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले, आपका कहना है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। साहब प्रतिपक्ष ये कहे कि साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्या सदन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी? नहीं चाहिए थी, मतलब एक कर्मचारी अपनी सूचना देता है लेकिन सदन के जो है नेता प्रतिपक्ष सूचना नहीं देते और फिर कहते हैं कि साहब जो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, मतलब ये जनता 7 करोड़ 8 करोड़ जो जनता वोटर है ये जानती नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए सदन नहीं चाहते, वो इसके प्रति जो है सजग नहीं है, ना वो जो है वो सीरियस है, इसलिए है। बाकी सरकार चाहती है कि चीजों में जो है चर्चा हो, बजट सेशन है, बजट सेशन में चीजें आए, जो चीजें जो चर्चा होंगी उन चीजों पर विचार हो, बजट अच्छा बने जो है प्रदेश के हित में हो, ये सब चीजें सरकार चाहती है। अर्चना जी, ऐसे में कैसे चलेगा सदन? अर्चना जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन श्याम जी एक चीज आखिर में आपसे छोटा सा कमेंट चाहेंगे कि सर ऐसे में फिर सदन कैसे चलेगा? जो जनता सुबह आंख खोलती है तो उसे उम्मीद होता है कि आज सदन में उसके लिए कुछ जरूरी सवाल होंगे, जवाब उसके मिलेंगे, शाम में हालात वही रहते हैं कि कुछ नहीं मिलता। अभिषेक जी, मुझे तो कहीं ऐसा लगता है, एक पिक्चर का एक डायलॉग है वो मुझे ध्यान आता है, हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बिल्कुल, प्रतिपक्ष जहां पे, हमें तो लगता है कि बीजेपी के जो नाराज विधायक है वो प्रतिपक्ष से ज्यादा मजबूत है, प्रतिपक्ष की तो यहाँ जरूरत ही नहीं, उपस्थिति दिखी नहीं पाती है और ज्यादा मजबूत जो नाराज विधायक है वो ज्यादा मजबूती से इस चीजों को उठा पाते हैं, बातों को रख दे रहे हैं और इसी वजह से एक तरफ घनश्याम तिवाड़ी की वजह से सरकार की किरकिरी हो जा रही है, दूसरी तरफ रमेश मीणा की वजह से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, लेकिन सदन के हालात जो हैं वो ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, चर्चाएं हो नहीं पा रही हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद यही होगी कि सदन कम से कम ढंग से चले, वहां पर जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बहस हो, उस पर चर्चा हो। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।